हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। चैलेंजिंग सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलते हैं आज के सवाल की ओर। सवाल क्या बोल रहा है? जो लोग मेरे बारे में या डीआर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो बिना देरी किए हमारा पहला सवाल आज का क्या है? ठीक है, देखो सवाल क्या है हम लोगों का। बोल रहा है सवाल में, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 50 स्टूडेंट है जिनकी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 50 तक दी हुई है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से कहाँ तक, 50 तक दी हुई है। सम स्टूडेंट्स वेर सेलेक्टेड रैंडमली, कुछ स्टूडेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट किया गया फॉर रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे परेड के लिए। बट कंडीशन वॉज डैट द नंबर शुड बी ईदर मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 5। जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। किस चीज़ के लिए, जो सेलेक्ट हुए थे उस चीज़ के लिए। तो यहाँ से देखो, ऐसा क्वेश्चन ना तुमने पीएनसी में पहले बना रखा है और इसी को हम लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट करके एवरेज का रूप दिया है। ठीक है, तो देखो क्या है हमारा सवाल में कि मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 2 वाले तुम देखो कितने हैं, मल्टीपल ऑफ 2 वाले तुम देखो 1 से लेके 50 तक में मल्टीपल ऑफ 2 कैसे निकलेगा, हमारा टोटल 50 है, 2 से डिवाइड दे दिया, यानी कि 25 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 वाले हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 5 वाले निकाल दो, मल्टीपल ऑफ 5 वाले निकालोगे तो टोटल 50 स्टूडेंट, 5 के मल्टीपल वाले टोटल कितने लोग हो गए, 10 लोग हो गए। ठीक है, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हो गए, 10 स्टूडेंट्स हो गए। अब तुम थोड़ा ध्यान से यहाँ दो, ध्यान से देखो यहाँ से कि जब तुम 2 का मल्टीपल का स्टूडेंट उठा रहे थे, मान लो स्टूडेंट नंबर 10, जिसका भी स्टूडेंट 10 होगा, वो 10 नंबर सपोज एक के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई एक के लिए, फिर आगे ऐसे बहुत सारे तुम्हें मिलेंगे। कोई एक ऐसा मान लो 10 नंबर का, जिससे जो भी स्टूडेंट होगा जिसकी बैच नंबर 10 होगी या नंबरिंग उसकी 10 होगी, उसको तुमने मल्टीपल ऑफ 2 में भी उठा लिया, मल्टीपल ऑफ 5 में भी उठा लिया, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे तुम ले लो 20। ठीक है, ये 20 वाला नंबर जो है तुमने यहाँ मल्टीपल ऑफ 2 में भी उठा लिया, मल्टीपल ऑफ 5 में भी उठा लिया। तो अब तुम्हें क्या करना है कि दो एक ही नंबर एक ही स्टूडेंट को जो है तुमने यहाँ पे भी उठा रखा है, यहाँ पे भी उठा रखा है, जो कि कोई पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो तुम्हें अब क्या करना है, उन स्टूडेंट्स को हटाना है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन होने का मतलब क्या है, तुम्हारा मल्टीपल ऑफ तुम्हें अब कौन सा छांटना है, 2 × 5 वाला, 2 × 5 डेट इज क्या, 10, यानी कि कितने स्टूडेंट होंगे जो दोनों में आएंगे, 10 से काट दो 50 को, यानी कि 5। 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्या है, हमारे दोनों में आ रहे हैं। अगर तुम विजुअली भी देखोगे 10, 20, 30, 40 और 50, ये 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें भी आ रहे हैं, 2 के भी मल्टीपल हैं और क्या है, 5 के भी मल्टीपल हैं। तो एक ही स्टूडेंट दोनों जगह तो अवेलेबल हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, तुम्हारा एक्चुअली में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो सेलेक्टेड स्टूडेंट निकल जाएगा यहाँ से। तो सेलेक्टेड देखो यहाँ से कौन कौन कितने निकल गए सेलेक्टेड तुम्हारे, 25 प्लस में 10 और ये 5 जो है दोनों जगह है, दोनों जगह तो हो नहीं सकता है, तो एक जगह क्या करना है मुझे, घटाना है, तो घटा दो एक जगह, यहाँ से 25, 10, 35 में 5 चला गया, यानी कि 30। जब सेलेक्टेड 30 हैं, टोटल हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं, तो नॉट सेलेक्टेड कितने हो जाएंगे, नॉट सेलेक्टेड हो जाएंगे 50 माइनस में 30, डेट इज नन अदर देन 20। ठीक है, नॉट सेलेक्टेड 20 निकल गया। अब यहाँ से तुम्हें ये पता चल गया सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड कितने हैं। अब आगे देखो सवाल में आगे क्या बोल रखा है, द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु वेयर नॉट सेलेक्टेड वॉज 56। जो नहीं सेलेक्टेड थे इनका एवरेज जो दिए हुए है तुम्हारा, इनका एवरेज कितना दिए हुए है तुम्हें, इनका एवरेज दिए हुए है 56। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें मालूम हो गया कि ये जो नॉट सेलेक्टेड हैं इनका एवरेज कितना दे रखा है तुम्हारा, 56 दे रखा है। फिर आगे देखो क्या बोल रखा है, एंड द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट हु वेयर सेलेक्टेड, ध्यान से देखो किसका दे रखा है, सेलेक्टेड का, तो सेलेक्टेड का एवरेज निकाल लो। सेलेक्टेड का एवरेज तुम ध्यान से देखो, सेलेक्टेड का एवरेज कितना दिया हुआ है, 58 kg दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख दिया 58 kg यहाँ पे इसका एवरेज है। ठीक है, अब तुमसे सवाल में क्या पूछा है कि व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ द क्लास, पूरे क्लास का तुम्हें एवरेज वेट निकालना है। पूरे क्लास का तुम्हें एवरेज वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे क्लास का, पूरे क्लास के स्टूडेंट्स का तुम्हें सम निकालना होगा और उस सम को टोटल स्टूडेंट से क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। तो पूरा क्लास का सम कैसे निकलेगा, जो सेलेक्टेड है उनका वेट प्लस में नॉट सेलेक्टेड है उनका वेट। तो यहाँ से तुम क्या करो, एवरेज ऑफ, अब तुम क्या निकालोगे, यहाँ से क्लास निकालोगे। ठीक है, एवरेज ऑफ क्लास जब निकालोगे, यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं एवरेज ऑफ क्लास। ठीक है, एवरेज ऑफ क्लास में कौन कौन सा आ जाएंगे, सेलेक्टेड एंड नॉट सेलेक्टेड वाले। तो सेलेक्टेड वालों का एवरेज सम, मतलब सम कितना होगा, सबसे पहले ये देखो, तो 30 × में कितना हो जाएगा, 58। ठीक है,
फिर नॉट सेलेक्टेड वालों का सम कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 इंटू में क्या हो जाएगा 56। अब चूंकि तुम्हें एवरेज निकालना है तो ऊपर में तो हो गया सम, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 50, जो कि तुम्हारा क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, खत्म हो गया सवाल में। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या करना है, इसे तुम चाहो जैसे सॉल्व कर लो, इसे बेस्ट तरीका क्या सॉल्व करने का, यहाँ से ये जीरो, यहाँ से ये जीरो, यहाँ से ये जीरो उठा दो, ठीक है, खत्म हो गया जब जीरो यहाँ से, तो अब यहाँ से तुम क्या करो इसे मल्टीप्लाई कर दो। जब तुम 58 इंटू थ्री करोगे तो 50 इंटू थ्री 150 हो जाएगा, 8 थ्री या 24, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 174, ठीक है। 56 इंटू जब तुम 2 करोगे तो 50 इंटू 2 तुम्हारा 100, 6 इंटू 12 यानी कि क्या हो जाएगा 112, बटे में क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो 4 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 286 बाई में क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 286 बाई में जब 5 हो गया तो अब तुम्हें क्या इसे सिर्फ डिवाइड देना है, तुम्हें मालूम है किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड देने के लिए क्या करना होता है, जस्ट उसको डबल करो और 10 से डिवाइड दे दो, ठीक है। तो जब तुम इसे डिवाइड दोगे या तुम नॉर्मली भी इसे सॉल्व करोगे तो 5 का कितना हो जाएगा 25, ठीक है, क्या बचेगा 36, यानी कि 7 बार में फिर क्या बचेगा 1, यानी डेसिमल लगा दो 2 हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 57.2 kg एंड दैट इज योर आंसर, 57.2 kg, क्लियर है बात। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है ये चैलेंजिंग सीरीज का, नेक्स्ट चैलेंजिंग सवाल में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।